गाइस वेलकम टू सीए फाउंडेशन क्लासेस. आई एम वृंदा चुग और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने अपने एग्जाम्स दिए थे नवंबर 2018 में और उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट आया और उन्हें पता चला कि उन्होंने क्लियर नहीं करा है. तो अब उन्हें करना क्या है? सबसे पहले तो नो सेकेंड थाट्स, बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दो. कोई टाइम वेस्ट मत करो. ऑलरेडी आपके पास काफ़ी टाइम था, एग्ज़ाम के बाद आपके पास बहुत सारा टाइम मिला, आपने इन्जॉय किया होगा, बहुत बहुत मस्ती मार ली. अब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है बिल्कुल आज से. कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ. जो सब्जेक्ट उठाना है वो कैसे आप डिसाइड करोगे? अपनी मार्कशीट उठाओ जिसमें सबसे कम मार्क्स हैं, जिसमें सबसे कम मार्क्स आए हैं वो सब्जेक्ट उठाओ, उसकी बुक उठाओ. अब बुक कौन सी रेफ़र करनी है? ICAI का स्टडी मटेरियल, कोई और बुक अभी आप नहीं देखने वाले हो. एनालाइज़ करने के लिए, सिलेबस एनालाइज़ करने के लिए आप सिर्फ वही स्टडी मटेरियल उठाने वाले हो. उसके बाद आप रेफ़र कर सकते हो जो भी आपने, अगर आपने कोचिंग्स ली थी या आपने यूट्यूब वीडियोस से पढ़ा था या जो भी आप कर रहे थे, जैसे भी आप पढ़ रहे थे वो पक्का आप रेफ़र कर सकते हो. बट एनालिसिस के लिए ओनली ICAI का स्टडी मटेरियल. अब आपको स्टडी मटेरियल में उठा के देखना है कितने चैप्टर्स हैं. ठीक है, अब चैप्टर हमने देख लिया. पहले हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जो जिसमें हमारे सबसे कम मार्क्स हैं, फिर हमने चैप्टर सेलेक्ट किया जो हमें पिछले अटैम्प्ट में बहुत टफ लग रहा था या एग्ज़ाम में हमें लग रहा है कि हम क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाए. देन हमने चैप्टर डिसाइड करने के बाद हमें सीरीज, मतलब ऐसे सीक्वेंस लगा लेना है कि हाँ चैप्टर टू शायद मेरे लिए बहुत टफ था तो चैप्टर टू में पहले करने वाला हूँ, फिर चैप्टर फाइव करने वाला हूँ, फिर चैप्टर सेवन, फिर वन, ऐसे जो भी आपका रहने वाला है, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है वो बिल्कुल आज डिसाइड करोगे आप. डिसाइड होने के बाद क्या करोगे? अब आप बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट करोगे. सपोज़ कर लो आपने इकोनॉमिक्स उठाई, इकोनॉमिक्स आपको टफ लगी, आपने इकोनॉमिक्स उठाई, थ्योरी ऑफ डिमांड उठाया, आपने पूरा अच्छे से पढ़ा, सब कुछ अच्छे से पढ़ा. जब आपने ICAI का स्टडी मटेरियल कर लिया और जो आप रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहे थे, कोचिंग्स ली थी, उन टीचर्स की बुक्स थी या कुछ भी था, सब कुछ कर लिया, अब चैप्टर आपकी तरफ से आपको लग रहा है मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है? अब जाओ आप icai.org, वहाँ पे थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपको मॉक टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, उठाओ, जितने थ्योरी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस मिलेंगे सारे सॉल्व करो. उसके बाद आपको पता चलेगा आप कितना कर पाए, मतलब आपके हिसाब से जो प्रिपरेशन थी क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो. ठीक है, हमें हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट अपना खुद का करना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तभी आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है या नहीं चल रही है. आई होप सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे, चैप्टर्स चूज़ कर लोगे, उसे रिवाइज कर लोगे, मतलब अपना खुद का टेस्ट ले लोगे. अब एक जो आपने सब्जेक्ट उठाया, अब वो भी आपको डिसाइड, जब आप कर रहे हो सब्जेक्ट चैप्टर्स डिसाइड कर लिए, वो भी आपका डे वाइज होना चाहिए कि इतने चैप्टर्स मैं इस डेट में करने वाला हूँ, मतलब पूरा सिस्टमैटिक प्लान होना चाहिए. और अगर आप चाहते हो कि ये प्लान मैं बना के दूं आपको तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल डेफिनेटली ट्राई. अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सपोज कर लो ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा उठाना है जिसमें सेकेंड लीस्ट मार्क्स थे. ठीक है, जिसमें सेकेंड लीस्ट मार्क्स थे आपको वो सब्जेक्ट उठाना है. फिर हम उसकी प्रिपरेशन भी सिमिलर मैनर में करने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे सिलेबस का और फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपना सब्जेक्ट. अब आपके CA फाउंडेशन में चार सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, BCR एंड लॉ, देन कम्स योर मैथ्स स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, देन कम्स योर इकोनॉमिक्स एंड BCK. तो आपको जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें करी, ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को और कोई हेल्प चाहिए, कुछ वीडियोस हमारी आपको मिल जाएंगी, हमारे ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. EDU 91, उस पर काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा. और जो चीज़ें नहीं हैं बट आप चाहते हो कि नहीं एग्ज़ाम टाइम पे हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी और आप चाहते हो उस सब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर
टॉपिक पे वीडियो तो कमेंट करके बताओ, पक्का हम ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का। अब हमने दो सब्जेक्ट्स तो कर लिए हैं, मतलब ऐसे ही हमने दो सब्जेक्ट्स करे, फिर हम थर्ड चूज कर लेंगे, फिर लास्ट चूज कर लेंगे। अब ये चारों सब्जेक्ट्स हमारे ख़त्म हो जाने चाहिए मैक्सिमम 40 to 45 days, मैक्सिमम 40 to 45 days, पूरा अच्छे से, मतलब फुल फ्लैश हमारे ख़त्म हो जाने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीपल रिविजन्स, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करेंगे, एंड 3 प्रॉपर रिविजन्स। उसके बाद हम जल्दी वाली रिविजन्स करने वाले हैं, तो उसका पूरा प्लान आपको बैठ के बनाना है, और बिल्कुल सही टाइम है, आज बैठो सब कुछ बना दो, मतलब सारे टाइम टेबल, कौन सी डेट तक आप क्या कंप्लीट करने वाले हो। एक दो दिन का बफर लेके चलना कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, बट प्रॉपर रिविजन वगैरह का प्लान अब आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल अप्रैल तक आपके पास होना चाहिए सब कुछ। एटलीस्ट 3 रिविजन्स पक्का करनी है हमें, फुल फ्लैश वाली, उसके बाद जल्दी वाली और भी करेंगे हम, ठीक है। अब आप इसके अलावा जो चीज़ें चाहते हो कि आपको कुछ पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी इसी वीडियो में कि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, कोई और टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम आपको गाइड कर दें, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड कोई बात नहीं, नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से करने वाले हैं, डोंट वरी, वी आर रेडी टू हेल्प, यू जस्ट हैव टू गिव योर 100% नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपका क्लियर हो चुका है, आपके फ्रेंड्स का नहीं हुआ है, किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो ताकि एटलीस्ट उन लोगों की हेल्प हो पाए। एंड थैंक यू सो मच।